हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रीमा सुधीर। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैं पहले बता देती हूँ, तो मैं बना रही हूँ ठंडा ठंडा शिकंजी। तो अभी गर्मी के दिन में तो कुछ ज़्यादा ही मन करता है ठंडी चीज़ पीने का। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ जीरा, गोल मिर्च, सौंफ, काला नमक, चीनी, नींबू का रस। तो यहाँ पर एक पैन रखती हूँ, तो सबको जितना मसाला मैं ली हूँ सबको मैं पहले भून लेती हूँ अच्छे से। काफ़ी टेस्टी बनता है, मैं तो हमेशा बनाते रहती हूँ। आज सोची कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और बहुत सिंपल है, इजी है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और पीने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो गर्मी के दिनों में तो मतलब मन करता है कि हम ठंडा ठंडा हमेशा कुछ पीते ही रहें। ज़्यादातर लोग पानी यही सब ज़्यादा पी रहे हैं लोग। तो यहाँ पे इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा। इसके बाद इसको मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पीस ली, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको पीस लेना है, कोई झंझट नहीं है, आप एकदम फटाफट ये बनाकर पी सकते हैं। और चीनी एक कप ली थी तो आधा डाली हूँ, दो ग्लास में बनाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे वर्क के कुछ टुकड़े हैं उसको भी इसमें ऐड कर दी, काला नमक डाल दी और यहाँ पे मसाला एक चम्मच डाल दी। उसके बाद नींबू का रस, तो पूरा नींबू का रस नहीं, इसमें बोले ना दो गिलास मैं बनाऊँगी तो एक गिलास और बनाऊँगी। तो यहाँ पे सबको ऐड कर दी हूँ इसमें। अब इसमें मैं नॉर्मल पानी जो होता है उसको ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिला दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस चम्मच से अच्छे से इसको मिला देना है ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मिल जाए। तो इस देख सकते हैं आप लोग, तो ये बन के रेडी हो गया है और पीने में काफ़ी टेस्टी लगता है ठंडा ठंडा। तो कैसा लगा आप लोग को ये रेसिपी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।